Hey, hello, what's up? I hope you all are doing best. This is your Yash sir with another video. Now in this video we'll talk about method to calculate method to calculate oxidation number of central metal ion in a coordination compound. In a coordination compound. जी हाँ, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए. तो हम पढ़ने वाले हैं मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको पता होना चाहिए लिगैंड्स के बारे में. ठीक है, आपको लिगैंड के बारे में पता होना चाहिए. लिगैंड मतलब द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन. तो आपको लिगेंड्स की काफ़ी डिटेल में आइडिया होनी चाहिए, वरना आप सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता कर सकते. तो लिगेंड सबसे पहले होते क्या है? ऐसे कोई भी सब्सटेंस, मतलब अब लिगेंड आयन भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं. ठीक ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल आयन को. चलिए अब मैं लिगैंड को थोड़ा क्लासिफाई कर देता हूँ, लिगैंड को क्लासिफाई कर देता हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज. तो चार्ज के बेसिस पे जो लिगैंड है वो तीन कैटेगरी में होते हैं. ठीक है, कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में. वो तीन टाइप के होते हैं. सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रल लिगैंड. ओके, जिसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, फॉस्फीन है. और दूसरा होता है नेगेटिव लिगैंड. कौन सा लिगैंड? नेगेटिव लिगैंड, जैसे सी एन माइनस है, जैसे सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, ओ एच माइनस है, बहुत सारे हैं. हालांकि जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक पे, तो उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि लिगैंड कैसे होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है. तो पहले तो मैं लिगैंड को क्लासिफाई कर रहा हूँ उनके चार्ज के ऊपर. तो न्यूट्रल, नेगेटिव, एंड देन कम्स पॉजिटिव लिगैंड. ठीक है, तो यहाँ पे है NH2 प्लस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा जीनियम आयन, और एक है NO प्लस, जिसे हम कहते हैं नाइट्रो सोनियम आयन. ओके, ये सारे पॉजिटिव टाइप के लिगैंड हैं. तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए चार्ज ऑन लिगैंड, चार्ज ऑन लिगैंड. उस पर नेगेटिव चार्ज है तो कितना है, पॉजिटिव चार्ज है तो कितना है. अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया है तो फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर को एकदम इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ ज़रूर आ जाएगा. ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ. मैं टेट्रा क्लोरो निकल कॉम्प्लेक्स, पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है Ni Cl4 2 माइनस. तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें आप हमेशा सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मानेंगे. ओके, एक्स मान लिया, प्लस लिगैंड कितने हैं? चार. और हर एक क्लोराइड का चार्ज कितना होता है? -1. और टोटल कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे? -2. तो ये हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2. ठीक है, काफ़ी सिंपल है.
और अगर आपको डीएनए ब्लॉक अच्छे से पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि निकल का प्लस टू स्टेट काफ़ी स्टेबल होता है। ओके, चलिए हम दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है निकल टेट्रा साइनो कॉम्प्लेक्स, NiCN4 2-। ठीक है, NiCN4 2-। तो आप सबको पता है Ni का लेना है x और फिर CN के नंबर है 4 और हर एक CN पे चार्ज होता है -1, टोटल चार्ज है -2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2। इसमें जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स NiCO4। इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स। निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्स ले लिया +4। कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और टोटल 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। अब एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल है वो है MnCN6 4-। तो Mn को मैंने लिया x +6, CN का है -1 एंड टोटल इज, टोटल जो है वो है -4। तो इट्स सिंपली x इज इक्वल टू -4 +6, इट कम्स आउट टू बी +2। और आपको पता ही होगा डीएनए ब्लॉक से मैंगनीज काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। Mn ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2 से लेके +7 तक। पूरी 3D सीरीज में सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला ये पर्टिकुलर आयन। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एक और। ये है MnCl4 2-। तो x +4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 +4, x इज इक्वल टू +2। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है K4 Fe CN6। ठीक है, तो इसमें 4 पोटेशियम, हर एक पोटेशियम का +1 है। आपको पता ही होगा पोटेशियम जो है वो है अल्कली मेटल और सारे अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, वो होता है +1 +6, हर एक सी एन का -1 प्लस एक्स, टोटल इज 0, एक्स इज इक्वल टू +2। ठीक है, इसमें जो आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। चलिए एक और देख लेते हैं, Fe EDTA -1। तो Fe का मैं लेता हूँ x प्लस EDTA का एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन हर एक EDTA पे जो चार्ज होता है वो होता है -4। सो ये टोटल हो गया -1, x इज इक्वल टू -1 +4। -1 +4 ये हो गया +3। और अगर आपने डीएनए ब्लॉक पढ़ा है तो आपको पता ही होगा आयन जनरली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +2 और एक +3 वाली। +2 वाले को फेरस कहते हैं और +3 वाले को फेरिक कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको EDTA का स्ट्रक्चर देखना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पहले है इथिलीन डायमाइन, तो चलिए हम बना लेते हैं C डबल बॉन्ड C। ठीक है, H H M M सॉरी ओके, और दोनों में एसीटेट आयन है
मिल जाएगा सी एच टू सी ओ ओ माइनस सी एच टू सी ओ ओ माइनस, और यहाँ पे भी दो हो जाएंगे, ये हो जाएगा ओ ओ सी एच टू एन माइनस ओ ओ सी एच टू एन माइनस। तो अगर आप डोनर आइटम देखें तो टोटल इसमें सिक्स डोनर है। सिक्स डोनर कैसे, ये ऑक्सीजन हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, नाइट्रोजन हो गया फिफ्थ, और ये नाइट्रोजन सिक्स। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड मतलब अ लिगैंड विच इज हैविंग सिक्स डोनर एटम्स, ठीक है। चलिए हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कोबाल्ट NH3 5 Cl। अगर इसका आप IUPAC नाम देखना चाहें तो इसका नाम आएगा पेंटामाइन क्लोरीटो कोबाल्ट थ्री कॉम्प्लेक्स। अब नाम देख के बिल्कुल डरिएगा नहीं, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, ये इसका नाम हो गया। इसका एक रूल है, आप ओरल सीख जाएंगे तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नॉर्मल टेक्निक पे आते हैं। तो कोबाल्ट हो गया एक्स प्लस पाँच, हर एक अमोनिया का जीरो, प्लस एक क्लोरीन है उसका माइनस वन, टोटल इज ज़ीरो। सो एक्स प्लस ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा प्लस टू, आई जस्ट फॉरगॉट इट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एंड दिस विल बी नथिंग बट प्लस टू। तो उसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन, दैट कम्स आउट टू बी प्लस थ्री, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कोबाल्ट एनओ टू ट्वाइस पाइरिडीन ट्वाइस NH3 ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे है NO3। चलिए कोबाल्ट का ले लेते हैं एक्स, NO2 का दो, और हर एक का होता है माइनस वन, प्लस पायरेडीन के दो, एंड पायरेडीन न्यूट्रल लिगैंड है इसके लिए जीरो, एंड प्लस टू अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड दैट्स वेट जीरो, और प्लस नाइट्रेट का एक है, और टोटल चार्ज जो उसका होता है वो माइनस, और टोटल जो है वो जीरो हो गया। तो ये हो गया एक्स माइनस टू प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, ओके। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज़ करेंगे उसमें हम फेरिक फेरोसाइनेट ऐसे कुछ बोलते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के एग्जांपल लेंगे। जी हाँ, ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स जो होता है फेरिक फेरोसाइनेट, उसमें हम ये सब बातें करेंगे, क्लियर। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, तो डिटेल में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए वो आना चाहिए लिगैंड, एंड इफ यू आर थरली डन विद लिगैंड्स आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।